Let's see the preparation of alcohol from Grignard reagent. What is Grignard reagent? It is Mg. तो ये अगर देखा जाए तो मेटेलिक रिएजेंट है Mg, मैग्नीशियम. अगर कोई भी हम क्या ले लें, अल्काइल हैलाइड ले लें, जैसे कि R, Br, Mg के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, साथ में लेंगे ड्राई इथर ताकि कोई मॉइस्चर ना रहे, तो बन जाएगा आर एम जी बी आर. अगर यहाँ पे आर सी एल लेते और एम जी लेते तो क्या बन जाता, आर एम जी सी एल. अगर इसको याद करना था हम लोग क्या बोलेंगे, राम जी क्रिसमस वाले, क्योंकि राम जी एंड दिस इज हेलो ग्रुप एक्स ग्रुप, सो दिस इज राम जी क्रिसमस वाले. तो आर एम जी एक्स लेना है, एक्स की जगह बी आर सी एल हो सकता है. आइए प्रिपरेशन मेथड देखें. जैसे कि और ये नॉर्मली प्रिपेयर होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन से, एल्डिहाइड एंड कीटोन से. तो अगर अल्कोहल बनाना है ग्रिग्नर रिएजेंट से तो एल्डिहाइड एंड कीटोन लेना है. आइए यूज करते हैं. पहले लेते हैं एस सी डबल बॉन्ड ओ एच, डेट इज फॉर्मल्डिहाइड. इसका और नाम क्या होता है, डेट इज मिथेनल. क्या लेंगे यहाँ पे, मान लिया मैंने ले लिया सी एस थ्री एम जी सी एल. तो देखेंगे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो इस पर माइनस आ जाएगा और इस पर प्लस आ जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा. इसकी यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ देखें तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा. तो आप देखें प्लस वाले पे माइनस वाला चला जाएगा और माइनस वाले पे प्लस वाला, होगा क्या, एच सी एच यहाँ पे आ जाएगा सी एस थ्री और यहाँ जो बॉन्ड ओ टूटा इसके ऊपर आ जाएगा एम जी सी एल. तो अगर ये देखें कंपाउंड कैसे बन गया है, सी एस थ्री सी एस टू ओ एम जी सी एल. अब इसका क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें. तो ये प्लस पार्ट दिस विल बी माइनस पार्ट, ब्रेक हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा. तो ये टूटेंगे और ओ पे प्लस वाला आ जाएगा, इस पे माइनस वाला, तो क्या बन जाएगा सी एस थ्री सी एस टू ओ एच और यहाँ निकल जाएगा एम जी सी एल और साथ में आ जाएगा ओ एच पार्ट. तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड. दूसरा केस लेते हैं इसी का. अब लेते हैं इथेनल सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, रिएक्शन सेम से कराते हैं, डेट इज सी एस थ्री एम जी सी एल. तो यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, बॉन्ड आगे टूटेगा माइनस और इसके ऊपर प्लस आ जाएगा. रिएजेंट जोड़ते हैं यहाँ पे, दिस विल बी सी, इसके ऊपर क्या हो जाएगा सी एस थ्री और यहीं पे प्लस वाले पे माइनस वाला आएगा, सो इट विल बी सी एस थ्री, यहाँ एच और यहाँ हो जाएगा ओ एम जी सी एल. डायरेक्टली इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो इस पर प्लस और इस पर माइनस वाला, यहाँ माइनस और ये प्लस, ये ब्रेक हो जाएगा तो बनेगा क्या, सी एस थ्री सी एच, यहाँ पे सी एस थ्री, यहाँ पे आ जाएगा ओ एच और यहाँ क्या हो जाएगा एम जी सी एल, यहाँ पे ओ एच बाहर निकल जाएगा. तो देखें तो टू डिग्री फेनॉल बन गया है, यानी इसको हम लोग कहते हैं प्रोपेनॉल या टू प्रोपेनॉल कहते हैं. इस तरह हम अल्कोहल बना सकते हैं टू डिग्री का. तीसरा केस है, अगर मैं कीटोन ले लूँ, जैसे कि सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड हो सी एस थ्री ले लूँ, सेम सी एस थ्री एम जी सी एल, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस आएगा, देखें क्या हो जाएगा, सी एस थ्री सी, एक सी एस थ्री इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ सी एस थ्री हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ एम जी सी एल. सिंपल सी बात है, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो बन क्या जाएगा सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एस थ्री, यहाँ ओ एच हो जाएगा और यहाँ निकल के आ जाएगा एम जी सी एल और ओ एच पार्ट यहाँ पे रिमूव हो जाएगा. तो इस तरह से हम देख सकते हैं थ्री डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर हो गया. तो इस तरह से हम अल्कोहल की प्रिपरेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर सकते हैं, लेकिन यूज किसका होगा, एल्डिहाइड या कीटोन का ही. थैंक यू.